हरिओम एएलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, कल तक जो अपन ने पहली वाली क्लास में अध्ययन किया था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था और उस टॉपिक का बारे में अपन ने फुल रूप से डिस्कस कर लिया था। और आज अपन जो बातचीत करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक का नाम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुरक्षा। देखिए, जो सारा का सारा जो हम अभी तक आपको पढ़ाते आ रहे हैं, बिल्कुल साइबर सुरक्षा के अंतर्गत पढ़ाते हुए आ रहे हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुरक्षा, सबसे पहले जो मैं आपको कितनी बार समझाता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम देखते हैं तो उस नाम के अकॉर्डिंग आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसमें अर्थ निकालते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों के वे समूह जिसके अंतर्गत हम केवल जिन्हें हम केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, और वे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर के अंतर्गत वे हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम छू भी सकते हैं, वे आपके क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आप सभी समझते हैं इस चीज़ के बारे में। अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। सुरक्षा मतलब ये होता है कि किस चीज़ की सेफ्टी आप कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे किसी भी चीज़ से बचा सकते हैं या कोई ख़राब चीज़ से दूर ले जा सकते हैं, वो होता है आपके इसके सेफ्टी के अंतर्गत। ये है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुरक्षा। अब नाम से ही पता है आपको कैसे क्या काम करना है, बिल्कुल आप एक बेसिक रूप से अपन इसमें समझते हैं। देखिए, सुरक्षा अपने आप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक पूरा जो जीवन चक्र होता है, यहाँ पर दोहराने वाले बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। और यह विश्वसनीय भी होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। ये अलग अलग रूप से और अलग अलग प्रोसेसिंग के रूप से अपन को देखने को मिलता है। कि सबसे पहले कोई भी चीज़ अपन अगर बनाते हैं, बिल्कुल एक बेसिक रूप से मैं बेसिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा और मेरे हिसाब से आप समझ भी जाएंगे। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है और कोई भी कार्य का या कोई भी चीज़ का उत्पादन करता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे बेसिक बात कि सबसे पहले वो क्या करता है, उसका ट्रायल करता है। और ट्रायल करने के बाद में क्या करता है, उसको अंतिम रूप देता है। तो ट्रायल तक तो जो खराब होता है, वेस्टेज वगैरह होता है, और अंतिम रूप देने के बाद में क्या होता है, उसके अंतर्गत 99% तक सही होता है और 1% कुछ न कुछ खराबी प्रत्येक प्रोडक्ट के अंतर्गत रहती है। और आज विश्व में जो भी व्यक्ति है उसके अंतर्गत 1% तो जरूरी खराबी होगी, अपने आप के अंदर पूर्ण कोई भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी व्यक्ति अपने आप के अंदर पूर्ण होने का ढोंग करते हैं, वो पता नहीं क्या होता है उनका एंड क्या होता है, वो हमें भी आप सबने देखा होगा। तो उसके दरमियान अपन को ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके अपन केवल बिल्कुल साधन से टॉपिक की ओर आते हैं, और जिसके अंदर अपन को काम करना सबसे इम्पोर्टेंट रूप के अंतर्गत और मेन रोल के अंतर्गत अपना बेसिक थॉट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या, देखिए, जब अनिश्चित आवश्यकता है और ऐसे बार मॉडल द्वारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं और डिज़ाइन फेज में सुरक्षा को मुख्य रूप से देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रणनीति तैयार करनी होती है कि रणनीति में क्या क्या करना है। अगर रणनीति सही है उस कार्य की, तो वो कार्य समय पर पूरा होगा और बिल्कुल कम खर्चे के अंदर और जितना अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा होगा। अगर अपना जो कार्य की रणनीति सही नहीं है, मतलब प्लानिंग सही नहीं है जिसको कहे अगर कॉमर्स की भाषा है, तो अपना सारा का सारा कार्य क्या होगा, डैमेज होगा, और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने खुद की ही होती है। तो उसको हमें समझना बहुत ही जरूरी, चाहे वो किसी भी रूप में समझे, लेकिन हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहला होता है रणनीति। रणनीति के बाद में वो प्रोडक्ट अपने लिए किस काम का है, उसकी पैकिंग क्या होगी, क्या नहीं होगी, उसके लिए समझना भी जरूरी है। और फिर बाद में आपके टॉपिक आता है कि उसकी टेस्टिंग, क्या वो लोगों के ऊपर यूज़ करने से पहले उसको टेस्ट करने के लिए बनाया गया, तो टेस्ट अगर सही होगा तो आपके काम सही होगा, नहीं तो भी काम सही नहीं होगा। तो देखिए, सुरक्षित और सुरक्षा इंजीनियर सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे उपयोगकर्ता की कहानी, एब्यूज केस आदि। तो सुरक्षित
आवश्यकताओं के लिए कुछ मुख्य स्रोतों का होना भी जरूरी है, जिसके अंदर आएगा आपके कि फंक्शनल सुरक्षित आवश्यकताएं। देखिए, नॉन फंक्शनल सुरक्षित आवश्यकताएं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, वेतन की हुई सुरक्षित आवश्यकताएं, उपयोगकर्ता की पानी एब्यूज केस। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉड्यूल हम किसी पेज को छोड़ देते हैं, जब तक पूरी सुरक्षा के लिए वापस उस पेज पर जाना पड़ता है, और फिर जो है आपको प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है उसके अंतर्गत, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो सबसे पहले अपने बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में समझ लेते हैं कि वे कैसे क्या है क्या नहीं है, तो उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है आपके एक होता है सबसे पहले जिसे अपन कहेंगे कि भाई एनालिसिस होता है किसी भी, सबसे चीज होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है आपके काम। फिर उसके ऊपर चीज के ऊपर होता है एनालिसिस कि आपके काम पूरा होगा या नहीं होगा। फिर आपके उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है अपना, उसके अंदर जो पार्ट आएगा कि सॉफ्टवेयर की जो सिक्योर लाइफ की जो क्या है क्या नहीं है, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स क्या हुए, उसकी डिज़ाइन क्या होगी। फिर आपके आता है उसकी डिज़ाइन के ऊपर कि उसके डिज़ाइन क्या करेंगे। फिर उसके आता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या जो है इम्प्लीमेंट्स होंगे जिसके द्वारा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा कर सकेंगे, और क्या क्या होगा। फिर उसके बाद में आपके आती है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेस्टिंग कि भाई वास्तव में इसका क्या है क्या नहीं है। फिर आपके इसके अंदर आएगा टेस्टिंग के बाद में जिसे कहें कि डेवलपमेंट, और एंड में जो है बिल्कुल फाइनल आएगा कि भाई उसको फाइनल हिस्सा में ले जाए। और जो डेवलपमेंट वगैरह ये सारे के सारे चीज इसी के अंतर्गत अपने होते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होने के बाद में वह चीज आप तक पहुंचती, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत बात अपने सभी के पास में होती है कि इस सब के अंतर्गत आपके सबसे पहले जो पॉइंट आता है आपके सिक्योरिटी लेवल का, और फिर आता है आपके मैनेजमेंट लेवल का, फिर आपके इसके अंदर आता है आपके मॉनिटरिंग लेवल का, फिर इसके जो है आपके सिक्योरिटी अपग्रेड का, और ये सारे के सारे जो है प्रोडक्ट और ये सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद में आपके पास में ये जो है प्रोडक्ट पहुंचता है। और इन सबके बीच के अंतर्गत कार्य होता है एक सबसे बेहतर प्रबंधक और मैनेजमेंट के तरीका का होता है, और उस मैनेजमेंट के दरमियान ही आपको सारा सारा कार्य जो है बिल्कुल सक्सेस होता है। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर इसमें कोई भी डिले वगैरह बढ़ती जाती है तो सभी को नुकसान होता है, और एक बार अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर से अगर विश्वास खत्म होता है तो कोई भी व्यक्ति आपका प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, और उससे विश्वास खत्म होने के बाद में उसकी पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न करने में भी सहयोग करे। तो अब इसके जो है कुछ इसके तीन फेज को अपन एक समझने का प्रयास करते हैं, और उस फेज के अंतर्गत अपन कार्य करने का कुछ प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपके इसके अंतर्गत की सुरक्षा का विश्लेषण और इसकी आवश्यकता। देखिए, आखिर अपन को किस चीज़ के लिए सुरक्षा की जो है अपन को एनालिसिस करना और उसकी जो है आवश्यकता, वो इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको कैसे काम और कहां पर काम अपन को कर सकते हैं, और उसको और भी अधिक बेटर से बेटर अपन बना सकते हैं। तो देखिए, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, और आवश्यकता मतलब इसकी डिमांड क्या है, कैसे है क्या नहीं है, वो तो अपन को समझना इसकी जरूरी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके आता है इसके अंतर्गत कि फंक्शनल डिमांड होता है, और उसकी जो है आपने देखा होगा फंक्शनल डिमांड, तो उसको जो समझना अपने जरूरी है कि फंक्शनली डिमांड होता है, केवल आपको इसके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर दूसरा है आपके कि नॉन फंक्शनली और इसकी जो सुरक्षा है उसके बारे में आप देखेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्युत्पन्न सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप इसमें देखेंगे व्युत्पन्न। अब जो ये सारा का सारा जो डिमांड है, देखिए फंक्शनल आवश्यकता उन सभी फंक्शनों को बताती है जो हमें करने होते हैं, और आवश्यकता है सिस्टम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो होते हैं वो इसके अंतर्गत होता है। नॉन फंक्शनल के अंतर्गत क्या होता है, आवश्यकताओं में सिस्टम के गुण जैसे वो यूनिक्स है विंडोज है किस पर कार्य करेंगे, वो उसके अंतर्गत डिपेंड करेगा कि अपन किस विंडो के ऊपर काम करेंगे, क्या है क्या नहीं है,
तो वो उसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बताता है। इसके अंदर अपन देखेंगे क्या अपने इनपुट है या क्या अपन आउटपुट अपन को वापस मिल रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वेबपन में ये है कि जो फंक्शनल आवश्यकता होती है वो किसी अन्य सुरक्षा आवश्यकता से प्राप्त की जा सकती है, अपन को इसके दूसरे के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं, अपन किसी से भी सुरक्षा के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, वो इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात करता है। अब दूसरा अपन बिल्कुल एक बिल्कुल बेसिक रूप में अपन बातचीत करेंगे दूसरे के बारे में। तो दूसरे के बारे में क्या है, बेसिक रूप से बात करते हैं कि सुरक्षा डिजाइन और इम्प्लीमेंट। देखिए सुरक्षा उसकी क्या डिजाइन है और उसके अंदर यूज क्या क्या अपन ने उपकरण लिए है, वो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। तो देखिए किसी भी चीज की सुरक्षा आपके हाथों में होती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे है या क्या नहीं है या कैसे नहीं है। तो डिजाइन फेज सारी आवश्यकताओं को वास्तव में आकार देता है और ये एक ऐसा फेज है जिसमें क्या क्यों कौन कब कहाँ और कैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। इसमें ये एक महत्वपूर्ण फेज होता है जिसमें आपको कैसे कार्य करना है, कब कार्य करना है, कब किस प्रकार से करना है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये सारा का सारा जो डिजाइन होता है वो इसके अंतर्गत होता है। और हमें इसका मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि हमें मदद से मुख्य सुरक्षित उपकरणों के लिए मॉडल डिजाइन करते हैं। डीएफडी में हमें पता होना चाहिए कि अटैकर कहाँ से अटैक कर सकता है, चोरी करके कैसे बाहर निकल सकता है। ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है हमें सबको जो है पता होनी चाहिए। अगर ये टेक्निक्स पता नहीं है तो हम किसी भी कार्य को सही रूप में नहीं कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है आपके सुरक्षा जांच और फैलाव। देखिए सुरक्षा जांच और फैलाव, सुरक्षा जांच और फैलाव, देखिए आपको पता होगा सुरक्षा की कोई एक जांच सीमा होती है और उसके फैलाव के ऊपर भी अपन को कार्य करना होता है। देखिए एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से देने से पहले उसकी जांच होना बहुत ही जरूरी है और सुरक्षा जांच को एक अटैकर की तरह सोचना चाहिए और सिस्टम में कई प्रकार के अटैक, उसमें गलती निकालनी और उसको समय समय पर अपग्रेड करना, उसकी फंक्शनल जांच करना। और फंक्शनल जांच के अंतर्गत क्या है कि प्रॉपर वे के अंतर्गत इनपुट डाटा बिल्कुल आउटपुट के रूप में प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, फंक्शनल जांच करना। किसी कोई पर आपत्ति कर देता है, मतलब के अगर स्ट्रक डाल देता है, आपत्ति करता है, तो उसकी जो जांच आपको भी करनी चाहिए और समय पर करनी चाहिए, उसका जवाब भी आपको है समय पर देना चाहिए। ऐसा नहीं समय पर अगर आपने देंगे तो पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, वो उसको कार्य करने के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपत्ति पर जांच और इसके अंतर्गत होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो है आपत्ति पर जांच, ये आपत्ति पर जांच आपके कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब का मतलब ये फंक्शनल जांच फंक्शनल आवश्यकताओं के समय के साथ ही की जाती है और फंक्शनल आवश्यकताएं सॉफ्टवेयर के प्रत्येक भाग के व्यवहार को बताती है कि आपके क्या है और क्या नहीं है, कैसे ये काम करेगा, किस प्रकार से इसका प्रोसेसर जो प्रोसीड इसके अंतर्गत रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर बिल्कुल एक आपत्ति पर आधारित जांच उन सभी के साथ की जाती है जो फंक्शनल जांच में नहीं किए गए हैं। और ये दो से तीन प्रकार की जांचें होती है, अपन इसके केवल नाम देख लेते हैं। पहले है होती है आपके कि इसको टारगेट करते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग होती है। दूसरी होती है कि आपके एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहरी जांच होती है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जांच होती है आंतरिक। अगर आपके इंटरनल सही हैं और बाहर से अगर सही नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का केवल यही माना रहेगा कि ये खराब है। लेकिन आप अगर इंटरनली सही है, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, तो बाहर से भी आपके कोई भी अटैक कुछ भी नहीं होगा। ये सब आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये देखा और ये आपने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सुरक्षा है किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में आपने बिल्कुल अध्ययन किया है। कोई भी दिक्कत आए बिल्कुल मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बाद में भी कहता रहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपना आंसर जरूर दीजिए, जिससे कि हमें पता लगेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने देखा है। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शुरू से एंड तक आपने वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका
बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ, और बिल्कुल ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर काम आएगा।